जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का नाम सुर्खियों में सबसे ऊपर चल रहा है। सचिन पायलट कांग्रेस की तरफ से सियासी मैदान में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और देश भर में सचिन पायलट इस चुनाव में अपनी जनसभाओं का शतक लगा चुके हैं। सचिन पायलट देश के 14 राज्यों में 100 जनसभाएं कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी उनकी कई राज्यों में जनसभाओं का कार्यक्रम तय है। इस बार देश में सचिन पायलट की भारी डिमांड है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद सचिन पायलट एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी मांग कांग्रेस के उम्मीदवार कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि सचिन पायलट ने अब तक 14 राज्यों में 53 लोकसभा सीटों पर 100 जनसभाएं की हैं। इन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली, उड़ीसा और हरियाणा शामिल हैं। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें राहुल गांधी के दोनों निर्वाचन क्षेत्र वायनाड और रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया था। इसके अलावा उड़ीसा में भी श्रीकांत जैन और हिसार में कुमारी शैलजा, मुंबई में वर्षा गायकवाड़, गुरुग्राम में राज बब्बर के क्षेत्र में भी सचिन पायलट को बुलाया गया था। कांग्रेस पार्टी के पास इस समय 3 मुख्यमंत्री और 6 पूर्व मुख्यमंत्री, कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन सेंट्रल वॉर रूम में लोकसभा प्रत्याशियों की मांग केवल और केवल गांधी परिवार और सचिन पायलट की है। सचिन पायलट ने इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को केंद्र में रखकर मोदी सरकार को बेरोजगारी, किसानों की हालत, महंगाई जैसे विषयों पर घेरा भी है। लोकसभा चुनाव के दौरान सचिन पायलट ने दावा किया कि एनडीए गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सचिन पायलट कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं। राजस्थान में तो हमेशा उनकी चर्चा रहती है और वो यह भी दावा कर चुके हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा सीटें लाने वाली है। क्योंकि कांग्रेस पहले हारती थी तो 20-21 सीटें या 50-55 सीटें लाती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली हैं। इससे जाहिर है कि कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है और इस लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। थैंक यू।